Hey everyone, good afternoon. This is Sayed Gufran and welcome back to my YouTube channel. दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यूलू के बारे में बताओ, बैटरी कहाँ स्वाइप होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसका मैं आज आंसर दूंगा. और जो भी स्विगी में काम करना चाहता है तो वो भी बता दूंगा कैसे क्या करने का है. बाइक नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है भाई, बिना बाइक के भी कर सकते हो. यूलू ले लेना, उससे आराम से महीने का 30,000 तक का निकल जाएगा. सबसे पहली बात यूलू का बता देता हूँ. यूलू लेने के लिए आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा, और कोई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, जो भी. ये जो यूलू बाइक है ना, ये जोगेश्वरी गोरेगांव से लेके दादर परेल तक का चलता है, तो इसके बीच में तुम कहीं पे भी ले सकते हो यूलू बाइक. यूलू बाइक के लिए ना तुम कहाँ चले जाना, अंधेरी स्टेशन. अंधेरी स्टेशन जाके उसे पैन कार्ड देना है और आधार कार्ड, वो KYC करके दे देगा, फिर थोड़ी देर में तुम्हें बाइक भी वहीं पर दे देगा. तो बाइक का मैं रिचार्ज दिखा देता हूँ. ये जो यूलू है ना, इसमें रिचार्ज करना पड़ता है. अभी मुझे मेरा प्लान भी एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे लेना पड़ेगा. तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ. देखो, अगर मैं एक हफ्ते का लेता हूँ, ठीक है, एक हफ्ते का 300 किलोमीटर लोगे तो 1169 रुपये का पड़ेगा, और एक हफ्ते का 1000 किलोमीटर लोगे तो 1700 रुपये का पड़ेगा. अनलिमिटेड भी था लेकिन वो यूलू वाले ने हटा दिया है. तो एक हफ्ते का ले लेना. एक हफ्ते का अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे ना तो कम से कम 700 तो ले ही लेना, 1500 का. और फिर जब चलाओगे तो आइडिया हो जाएगा, उसके बाद में तो फिर 1000 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत चलता है गाड़ी. ये जो वैलिडिटी है 7 दिन का, अगर ये एक्सपायर भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है. ये जो किलोमीटर अगर बचा रहेगा ना तो वो अगला जब प्लान लोगे ना तो उसमें ऐड हो जाएगा. तो अभी मैं दिखा देता हूँ मेरा, ये देखो मेरा कितना भी 605 किलोमीटर मेरा बचा है. अगर मैं अगला प्लान लूँगा 1000 का तो ये 600 और ऐड हो जाएगा, उसमें 1600 किलोमीटर मेरा हो जाएगा, तो ठीक है इसे. और अगर तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है यूलू की तरफ से, तो तुम्हें वो वैलिडिटी भी बढ़ा के मिल जाएगा. किलोमीटर नहीं बढ़ाएंगे लेकिन जो डेट रहेगा वो बढ़ा देंगे. तो ये सीन हो गया यूलू का. रिचार्ज तो दिखा दिया मैंने, तो यही सब सीन रहता है. अगर और यहाँ पे एक स्वाइप फ्री मिलता है, अगर जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तो तुम्हें दूसरी बाइक चाहिए तो यहाँ से ना दूसरी बाइक स्वाइप कर सकते हैं. और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है भाई कि बैटरी कितनी बार चेंज कर सकते हो. तो भाई बैटरी अनलिमिटेड कितनी भी बार चेंज करो, उस पर ना कोई पैसा है, कुछ भी नहीं है. अगर 13 किलोमीटर से नीचे रहेगा तो पैसा नहीं है, अगर 13 किलोमीटर से ऊपर रहेगा ना तो उस पर पैसा लगेगा. कितना? 1900 रुपया लगेगा. और अगर जैसे तुम्हारी बाइक ख़राब हो गई, तुमने पहले भी एक बाइक स्वाइप की है, फिर से ख़राब हो गई, फिर से स्वाइप करना है, तो उस पर देखो चार्ज लगेगा, 49 रुपीज़ का चार्ज है. और एक बात है, अगर जैसे तुम बाइक चलाए और बाइक कहीं आउट ऑफ जोन छोड़ दिए हो तो उसका भी चार्ज है. बाइक को ना, बाइक का जो जोन रहता है, स्टैंड जहाँ पे बाइक खड़ी होती है, अगर वहाँ पे खड़ी करोगे तो पैसा चार्ज नहीं आएगा, अगर आउट ऑफ जोन छोड़ोगे तो उस पर पेनल्टी आता है. तो पेनल्टी कितना आता है? 59 रुपीज़. अगर बाहर बाइक रहेगी, स्वाइप करोगे और एक बाइक पहले से स्वाइप की हो तो पूरा 110 रुपये का पेनल्टी आएगा, वो भरना ही भरना पड़ेगा. बाइक ख़राब हो गई तो छोड़ देना यार, 110 रुपया भर देना, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया यूलू का सीन. और बैटरी कितना भी, जितना भी बार ख़त्म होती है ना तो बैटरी स्वाइप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है. वो लोग फ्री में बैटरी डाल के देंगे. और बैटरी स्वाइप होता है ना तो ऐसे देखो, और यहाँ पे ना दिखाता है, ये सब बैटरी वाला स्टेशन है, इसे मैक्स स्टेशन बोलते हैं. तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ऐसे हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है. अगर कहीं पर भी चले जाते हो तो बैटरी स्टेशन देखो कितना ज़्यादा है, तो ऐसा बैटरी स्टेशन मिलता रहेगा. ऐसे पास में कौन सा है देख के वहाँ पे टोकन बुक करना पड़ता है. तो अभी मेरे बाइक में देखो चार्जिंग है, इसलिए ये बता रहा है, नहीं तो इधर एक बुक करने का आता है गेट इन करके. तो गेट इन नहीं, कुछ तो आता है टोकन बुक करने का. तो इधर जब मैं ओके करता ना तो टोकन बुक हो जाता, फिर मैं वहाँ पर जाके बैटरी स्वाइप करवा लेता. और अगर जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तुम्हारी, कुछ हो गया, तो गाड़ी भी कहाँ पर है वो भी इधर दिखाता है. तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ. जैसे मुझे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, तो मुझे स्वाइप करना है गाड़ी. तो ये देखो यहाँ पे एक गाड़ी है, लेकिन ये सब गाड़ी ना बिल्कुल भी नहीं लेना जो इधर उधर पड़ी रहती है ना. ये बंदे लोग जो जिसकी ख़राब हो जाती है वो इधर उधर छोड़ देते, तो ऐसा गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेना. हमेशा देखना कि स्टैंड पर गाड़ी है कि नहीं. ये यूलू जोन है, ये जो सब दिखा रहे हैं ना, ये यूलू जोन है. तो लेकिन अभी ना यहाँ पर देखो गाड़ी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये देखो ऐसा दिखाएगा. ये जो ब्लू ब्लू दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक गाड़ी अवेलेबल है, देखो दिख रहा है, एक लिखा हुआ है ना, तो एक गाड़ी अवेलेबल है. तो हमेशा अगर गाड़ी लेना ना तो स्टैंड से लेना, इधर उधर लोगे ना तो वो ख़राब निकल जाएगा. देखो इधर उधर कितनी गाड़ी पड़ी है भाई,
सब ऐसे ही छोड़ देते भाई गाड़ी। जब गाड़ी ख़राब होती है तो भाई टायर वायर लॉक हो जाता है, तो मैं पर्सनली बताऊँ मेरा तो मैं खुद छोड़ दिया भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है, गाड़ी ख़राब होती है ना तो बहुत झेलना पड़ता है। तो यही सब सीन है भाई गाड़ी का। और ऐसे पहले चेक भी कर लेना गाड़ी कौन सा गाड़ी नंबर है, ये सब गाड़ी नंबर रहता है, तो ऐसे देख लेना फिर चेक कर लेना भाई कितना चार्जिंग है क्या है, नहीं तो एक बार पैसा डाल देना और गाड़ी ख़राब रही तो फिर उस पर कुछ होने वाला नहीं है, वो गाड़ी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर हो जाएगी, अगली गाड़ी स्वाइप करोगे तो डबल पैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं गाड़ी एक लाया हूँ अच्छी सी है। अगर कुछ क्वेश्चन रहता है यूलू से रिलेटेड तो वो कर लेना। और स्विगी का भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा बाइक आईडी है कि साइकिल आईडी है, तो मेरा भाई बाइक आईडी है, ठीक है। देखो मैंने 7 ऑर्डर मारा है अभी, और 7 ऑर्डर पे तो कुछ भी नहीं है, 11 ऑर्डर मारूंगा तो 500 रुपये बनेंगे, 15 मारूंगा तो 750, 18 मारूंगा तो 1000। अभी देखो 5 घंटे में मैंने 7 ऑर्डर मारा है, तो आज ऑर्डर अभी आ भी नहीं रहा है भाई, इधर ही बैठा हूँ, देखते हैं कब आता ऑर्डर। और अर्निंग भाई अच्छा खासा हो जाता है, बट मेरी बाइक ही ख़राब थी यार, तो क्या करेंगे। देखो 2200 रुपये मैंने बनाया था कितने टाइम में, 24 घंटे में, 24 घंटे में मैंने 2200 रुपये बनाए, 2200, जिसमें से मेरा 257 रुपया पेनल्टी कट गया भाई। मैं शिफ्ट बुक करके रखा था, इसमें ना शिफ्ट बुक करना पड़ता है, देखो स्विगी में ये भी बता देता हूँ, इसमें ना जितना टाइम तुम्हें काम करना है तो शिफ्ट बुक कर लेना, अगर जिस टाइम काम नहीं करना है भाई शिफ्ट मत बुक करना, नहीं तो उस पर ना 10-15 रुपये का एक शिफ्ट पे, जैसे ये एक शिफ्ट हो गया 3 से 7, तो ये अगर इसमें काम नहीं किए तो इस पर 10 या 15 रुपये का पेनल्टी आता है। अगर ये कैंसिल भी कर दिए, बुक किए आज ही कैंसिल किए, तो भी 15 रुपये या 10 रुपये का पेनल्टी आएगा। पहले ही एक दिन पहले ही 24 घंटे से पहले सोच लेना है करना है या नहीं, वो पहले ही बुक या कैंसिल या कुछ भी नहीं करने का है, तो ये बात ध्यान में रखना। एक हफ्ते में भाई 7000 रुपये आराम से बना लोगे, तो महीने का ना, महीने का तो 30000 बन ही जाएगा, आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आराम से काम करोगे 30000 रुपया महीना कमाओगे। और ये बाइक का ना जो रिचार्ज आएगा 1700 का आएगा एक हफ्ते का, तो दिखा देता हूँ भाई कैलकुलेटर की तरह, तो भाई 1700 रुपया ना बाइक का पकड़ लेता हूँ, 1700 × 4 देखो 6800 आता है, तो 7000 पकड़ते हैं, ठीक है 7000 ये हो गया। और कितना खा पी लोगे अगर खाने पीने का देख लें, तो एक दिन का 100-150 रुपया पकड़ लेता हूँ, ठीक है 150 × 30 बराबर 5000, ये भी मान लो 5000 × 8000, तो कितना हो गया भाई, 8 × 5 = 13 हो गया ना, 13000 समझ लो एक महीने का 13000 खर्चा है और 30000 इनकम है, तो भी भाई बच रहा है ना कितना, 17-18000 बच रहा है, तो भी सही है यार। जो कंपनी वंपनी में काम करते हैं कितना 12-12 घंटा काम करते हैं, फिर जाके 10-12 हज़ार ऐसे ही कुछ निकलता है, 12-15 हज़ार समझ लो, तो भी मतलब एक ही जगह पे ऐसे रह जाते हैं। और ऐसे ना ये जो काम है ना ऐसे घूमना पड़ता है आराम से, जब मन करे काम करो, नहीं मन है मत करो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। तो मिला जुला के कितना बचेगा, 17-18 हज़ार बच जाएगा आराम से काम करके, तो भी लेकिन काम मैं कितना 12-13 घंटा करता हूँ, 12 घंटे से नीचे मैं काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि 12 घंटे से नीचे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो, हाँ ये भी एक बात है भाई, अगर पार्ट टाइम जॉब करना है ना, मतलब ये पार्ट टाइम के लिए सोच रहे हो स्विगी में आने, तो मत आओ, पार्ट टाइम काम करना है तो फिर जोमेटो कर लो, जोमेटो के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन अगर पार्ट टाइम करना है तो जोमेटो कर लो। ये स्विगी में कैसा है, टारगेट करना पड़ेगा, अगर टारगेट करोगे तो अच्छी इनकम आएगी, ऐसे पार्ट टाइम में कुछ भी नहीं आएगा, 1700 तो तुम्हारा बाइक का चले जाएगा, एक हफ्ते में कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो पार्ट टाइम के लिए अगर आ रहे हो तो प्लीज़ मत आओ, फुल टाइम काम करना है तो स्विगी में आ सकते हो एकदम बिंदास। और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। एक भाई का कमेंट था भाई, वही बैटरी वैटरी का पूछ रहे थे, मेरे फ़ोन में कमेंट है यार, नहीं तो बता देता भाई का क्या नाम था। बाकी जो भी कमेंट रहेगा करना अभी, और मैं अभी काम करके भी दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं कैसे क्या, आप लोग कमेंट करो, अगर फर्स्ट टाइम कैसे ऑर्डर लेना है क्या करने का है वो भी सब बता दूंगा, बस कमेंट करते रहो, जो भी कमेंट आएगा मुझे सही लगेगा कि हाँ इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दूंगा। यूलू बाइक के बारे में तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी अगर जाके भी दिखाना रहे कि कहाँ मिलेगा कैसे क्या करना पड़ेगा, तो उधर भी जाके डेमो दे दूंगा मैं कि कैसे क्या करने का है, स्टैंड पे चले जाऊंगा, आप लोग बस कमेंट कर देना। अगर ऑफिस भी जाना है तो वहाँ पे भी चले जाऊंगा, स्विगी के ऑफिस कमेंट कर दो, स्विगी के ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पे भी बता दूंगा क्या क्या करने का है,
भाई स्विगी में ना अगर ज्वाइन करोगे ना तो उस पर भी बोनस मिलता है, और अगर कोई मेरे थ्रू ज्वाइन होना चाहता है, अगर मैं रेफर करूँगा उसको, तो मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। अगर जिसको भी मेरे थ्रू ज्वाइन होना है तो वो कमेंट कर दो नंबर, मैं उसका नंबर रेफ़र कर दूँगा। रूम वूम भाई मुंबई में ले लेना, तभी नंबर वंबर भेजना भाई, अच्छे से काम करना तभी भाई, और क्या बोलूँ, यहाँ पे कोई किसी का है नहीं, तो काम करने के वास्ते आना कि हाँ मुझे काम करना है, ऐसे फ्री फंड में कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो भाई ऐसे ही ऑर्डर आता है, अभी मेरा एक ऑर्डर आ चुका है, 20 रुपये का ऑर्डर है, तो यहीं देखो थोड़ी दूर से पिकअप करना है, उसके बाद में थोड़ी दूर पे लेके जाना है। तो स्विगी में कैसा रहता है ना, पहले से कंफर्म कर देता हूँ, स्विगी में कैसा रहता है, ऑर्डर देखना पड़ता है, ठीक है, पैसा मत देखो कितना पैसा उस पर मिल रहा है, सिर्फ ऑर्डर देखो, बस तुम्हें टारगेट करना है। अगर मैं 11 ऑर्डर मारूंगा तो मेरा 500 रुपये बन जाएंगे उस पर, 11 ऑर्डर मारूंगा ना तो अगर अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग 300 रह जाएगा, टारगेट का कितना मिलेगा 500, तो कल सुबह 8 बजे मुझे 500 मिल जाएगा। अगर मैं 11 ऑर्डर पे बंद कर देता हूँ, मेरी अर्निंग 300 है, तो फिर वो कल सुबह ना 500 बन के मिलेगा। तो बस टारगेट पे ध्यान दो, टारगेट करो। कल मैं मारा था ना 24 ऑर्डर, कल मैं सोचा था कि कितना 18 ऑर्डर ही मारूंगा, लेकिन ऑर्डर अच्छा आने लगा तो मैंने 24 का टारगेट कर दिया था। तो कल मैं कितने घंटे काम किया था दिखा देता हूँ, यार ये मेरा अंगूठा ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो थोड़ा आराम आराम से दिखाता हूँ। कल की अर्निंग देखो 1450 रुपये, काम किया था 12 घंटा 48 मिनट, और ऑर्डर मारा था 24, तो अर्निंग देखो ना, अर्निंग देखो मेरी कितनी है, अर्निंग देखो 637 रुपये। इसीलिए बोलता हूँ अर्निंग मत देखो भाई, सिर्फ ऑर्डर देखो कितना ऑर्डर होता है। तो 637 रुपये अर्निंग 12 घंटे में 13 घंटे में, तो क्या होगा, दिमाग नहीं हटेगा। लेकिन भाई टारगेट सिर्फ देखो, 637 रुपये कल मैं कमा के चला गया, लेकिन मैंने 24 ऑर्डर मार के गया, तो 813 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिले, इंसेंटिव उसे कहते हैं, तो 813 रुपये मेरे उसमें जुड़े, जिससे मेरा 1450 रुपया बना। तो बस टारगेट करो, ऑर्डर मारते रहो, ये अर्निंग वर्निंग मत देखो कि इस पे 20 रुपया मिल रहा है क्या मिल रहा है, नहीं भाई सिर्फ टारगेट करते रहो। तो दोस्तों देखो ऑर्डर रेडी हो चुका है, जब ऑर्डर रेडी होता है तो ना यहाँ पे फूड इज़ रेडी फॉर पिकअप के लिख देता है ऐसे ग्रीन होके, और आवाज़ भी आता है, तो अभी चलता हूँ पिकअप करने, थोड़ी दूर पे जाने का है, तो लेट्स गो, चलते भाई। दोस्तों ये है मेरी यूलू बाइक जिससे मैं ऑर्डर मारता हूँ। तो सुबह में यार इसका एक्सीडेंट हो गया था, देखो पूरा टूट टूट गया, एक लड़की थी भाई ऐसा स्कूटी भगा के ला रही थी, मैं जैसे रोड पे निकाला भाई आके इतना ज़ोर से मारी, लेकिन मैंने उसको कुछ बोला नहीं भाई, वो बोलती है मैं सीधे जा रही थी, मेरी क्या गलती है, मैं बोला जाओ, मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा हाथ पे लगा और थोड़ा पैर पे लगा बस। और देखो ऊपर से सब क्या गिर रहा है यार भाई। और यूलू बाइक ना दो टाइप की आती है, तो कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। असल में बाइक मिल नहीं रही थी इसलिए मैं ये छोटी वाली बाइक लिया, नहीं तो बड़ी वाली जो बाइक है ना वो अच्छी है। तो पहले बाइक को चालू कर लेता हूँ, ये बाइक ना चालू बंद ये सब मोबाइल से ही होता है। तो और भी अगर डिटेल में वीडियो चाहिए ये बाइक का या स्विगी का कुछ भी ना, कमेंट करना भाई, सबका वीडियो बना दूंगा मैं। तो देखो अनलॉक किया बाइक, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर की लाइट जल गई, बाइक अनलॉक हो गई, और आगे एक लाइट है ना तो ये भी जलता है देखो। तो गाड़ी का ना नंबर रहता है, स्कैनर रहता है, तो यहाँ से फटाफट से पहले गाड़ी हटाता हूँ, नहीं तो कचरा गिर रहा है फिर से। दोस्तों मैं पहुँच गया डिलीवर्ड पिकअप लोकेशन पे, तो यहाँ पे ना रीच करना पड़ता है, तो जैसे रीच किया ना तो ये जो लास्ट का 4 नंबर है ना 7627, तो ये मैं जो रेस्टोरेंट है ना जैसे ये है, तो यहाँ पे जाके ये लास्ट वाला नंबर बताऊँगा, फिर वो मुझे पार्सल देंगे। तो पार्सल में मुझे देखना है कि ये दोनों आइटम है कि नहीं, जब ये आइटम रहेगा तो यहाँ से वेरीफाई ऑर्डर कर दूंगा। तो यहाँ पे मतलब उसमें ना एक OTP आएगा 4 ही नंबर का, ऐसे ही उसमें भी OTP आएगा, तो यहाँ पे वो OTP डालूंगा, फिर कंफर्म कर दूंगा, उसके बाद में फिर पिकअप कर दूंगा। तो चलता हूँ अंदर पिकअप करने। तो देखो दोस्तों पिकअप किया ना, फिर उसके बाद में मुझे सामने का लोकेशन दिख गया, तो यहाँ पे अगर मारूंगा ना तो मैं मैप खुल जाएगा, फिर वो मैप के थ्रू आप लोग ईजीली पहुँच सकते हो। तो अभी मैं ये एरिया में ना करीब 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो चुका है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ रहती है। आप लोग भी काम करोगे तो आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा। तो चलता हूँ फटाफट से डिलीवर करता हूँ इसे, ऑर्डर कर दिया डिलीवर्ड, इसके मिले देखो 20 रुपये। तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कर देता हूँ, देखते हो नेक्स्ट ऑर्डर मेरा कब आता है। 5 घंटे में 5 घंटा 16 मिनट में मैंने 8 ऑर्डर मारा है। ये टाइम पर ना ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो होता है ऐसा ऐसा कभी कभी।
दोस्तों ऑर्डर मार के आ गया, करीब कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट लगभग लगा होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। तो भाई यूलू बाइक लेने के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। ऑर्डर ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट होता है, बट जो बाइक लोगे ना तो भी देखो इससे क्या रहता है ना, ट्रैफिक में ये फटाफट से निकलती है, ये फुटपाथ कहीं पे भी इसको चला सकते हो भाई, इस पे कोई फ़ाइन वगैरह नहीं है। हेलमेट पहनो नहीं पहनो, हेलमेट तो मतलब इस पे एलिजिबल नहीं है, नहीं पहनोगे तो भी चलेगा। और जैसे कल जैसे आज मेरा ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ये सब मेंटेनेंस अगर खुद की बाइक रहेगी ना तो मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। कभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो मैं गाड़ी पहले बंद कर देता हूँ, गाड़ी बंद करके चलता हूँ अंदर। ये अपने कासिम भाई की दुकान है, देखो ये रहा द क्राफ्ट इंटीरियर। भाई जो भी मरोल साकी नाका रहते हैं तो भाई एक बार कासिम भाई की दुकान पे आओ, विज़िट करो, काफ़ी सारे सामान मिलते हैं कासिम भाई की दुकान पे। तो भाई आ गया शॉप पे, तो चलता हूँ अंदर। ये रही कासिम भाई की दुकान। अस्सलाम वालेकुम भाई। और देखो मेरा ऑर्डर फिर से आ गया भाई, कहाँ आ गया फ़ोन। मस्त भाई अपना बताओ, ये ऑर्डर फिर से आ गया भाई। तो देखो भाई फिर से ऑर्डर आया, यहाँ से पिकअप करना है और दिदरी लेके जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 रुपये का फिर से ऑर्डर है। तो हाँ ये रही भाई अपने कासिम भाई की दुकान। भाई कोई मरोल साकिना का से वीडियो देखता है तो आ जाओ, कितना 30 फरवरी को अपन मीटअप रखते हैं। और क्या भाई, छोटे यूट्यूबर ऐसे ही मीटअप रखते हैं 30 फरवरी को है। हाँ तो देखो भाई कितना सामान भरा हुआ है माशाल्लाह। 31 को दुकान लेके जाओ फ्री में। भाई अगर 31 फरवरी को आते हो ना तो ये यहाँ पे ना 90% ऑफ रहता है, 95% ऑफ रहता है भाई, कुछ भी लो भाई कुछ भी लेके जाओ, 5 रुपये तो लेके जाओ, 5 रुपये तो सामान लेके जाओ, सोफा लेके जाओ 5 रुपये। तो भाई देखो यूलू बाइक लेते हो ना तो यूलू बाइक में कुछ भी देखने का नहीं है, सिर्फ रिचार्ज करो चलाओ, बैटरी कंपनी डाल के देगी और जो भी रहेगा मेंटेनेंस वगैरह सब कंपनी देखेगी, कुछ भी ख़राब हो गया तो आप दूसरी बाइक स्वाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर खुद की बाइक लोगे तो मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, तेल वेल डालना पड़ेगा, कितने की एवरेज देगी क्या, वो सब मतलब टेंशन ही रहेगा, कभी पुलिस पकड़ लेगा तो वो भी 1500, जो भी रहेगा भाई खुद देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, कहीं पर भी चलाओ, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, फुटपाथ पे चला रहे कभी इधर कभी उधर, कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी करो, कभी यहाँ ऑर्डर लेके जा रहे, कभी वहाँ ऑर्डर लेके जा रहे, कभी फुटपाथ पे डाल रहे, इसकी माँ का कोई काम धंधा नहीं, बस चला दे रहो भाई। बट अगर अपनी बाइक रहेगी, थोड़ा ठुक फिक गई भाई, फिर तो मुसीबत ही मुसीबत भरते रहो, तो मेंटेनेंस का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, उसका भी भाई पैसा जाएगा ही जाएगा। बाइक रहती तो जल्दी जल्दी, हाँ ऑर्डर देखो अगर ये बाइक रहेगी ना, दूर का ऑर्डर रहेगा तो डिले हो जाएगा। इससे फ़ायदा भी है भाई, नुकसान भी है, मतलब नुकसान तो नहीं है क्योंकि इसमें क्या ही नुकसान रहेगा, बस ऑर्डर डिले होगा कभी कभी जब दूर का भेजेगा। और जब बाइक रहती है ना तो वो ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक की बात करूँ ना तो ये बाइक जीत जाएगी भाई, कहीं से भी डाल के निकाल दो कोई बोलने वाला नहीं है, सिग्नल तोड़ रहे कभी ये सिग्नल तोड़ रहे कभी वो सिग्नल तोड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, तोड़ते रहो, बस यही सब सीन है भाई। अगर बाइक लोगे ना तो वो मतलब थोड़ा ध्यान एहतियात बरतना पड़ेगा, नहीं तो फिर कभी पकड़े गए ना तो फिर भाई चलान उलान हो जाएगा बड़ा वाला कभी। तो ऑर्डर कर दिया डिलीवर्ड और इसी के साथ हो गया मेरा 9 ऑर्डर कंप्लीट, 2 ऑर्डर और करूँगा ना तो 500 रुपये का काम हो जाएगा। अभी एक ऑर्डर लाया था एयरपोर्ट पे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया यार इसमें, तो कस्टमर ने भाई 70 रुपये टिप दिए, बोला भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया आपका। वो भाई कहाँ एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचा था, उससे पहले कॉल कर दिया था कि भैया जल्दी ले आओ नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो भाई फटाफट से लेके आ गया। अभी चलता हूँ फिर से, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब आता है। दोस्तों अभी पार्सल लाया था घाट को पर, इसके मिले 34 रुपये और इसी के साथ मेरा ऑर्डर हो गया 15, 3 ऑर्डर और करूँगा भाई 18 ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। अभी एक ऑर्डर आया था भाई जीनी का, बहुत ज़्यादा दूर का ऑर्डर था, पिकअप लोकेशन दूर था, डिलीवर लोकेशन तो 1 किलोमीटर भी नहीं था। ये पिकअप कर लिया हूँ, जीनी का ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, कर दिया भाई डिलीवर्ड। ये इसके मिले 27 रुपये और इसके साथ मेरा ऑर्डर कितना हुआ, अभी नेट चलो है बाहर चल के दिखाता हूँ। और ये बाहर निकलते ही फिर से ऑर्डर आ गया, पास ही का है, कन्फर्म कर देता हूँ भाई रेडी भी है। तो ऑर्डर कितना हुआ ये देख लेता हूँ, पहला 16 ऑर्डर हो चुका है, ये 17वां ऑर्डर है, तो चलता हूँ फटाफट से पिकअप करने। ऑर्डर लेके पहुँच गया लोकेशन पे और ये जो ऑर्डर है कैश ऑन डिलीवरी है, 287 रुपये का ऑर्डर है,
तो पहले रीच कर देता हूँ मैं ये कलेक्ट करने पैसे। भाई ऑर्डर डिलीवर कर दिया, मेरे 17 ऑर्डर हो चुके हैं और 18वां ऑर्डर लग भी गया है। और जो 287 रुपये हुए थे ना, तो कस्टमर ने 500 रुपये का नोट दिया, तो मेरे पास यार चेंज नहीं थे, तो मैंने ना 3 रुपये ज़्यादा ही दे दिया भाई, क्योंकि कोई कोई कस्टमर ऐसा रहता है भाई, क्या बोले, 1-2 रुपये के लिए खड़े रहते तो फिर अपने पास चेंज भी नहीं रहता यार, क्या करेंगे, ऑनलाइन भी ऑप्शन नहीं था। तो एक कस्टमर ने मुझे इससे पहले 3 रुपये ज़्यादा दिए थे, तो वही 3 रुपये मैं इनको दे दिया ज़्यादा। और अभी चार्जिंग भी ख़त्म हो गया है, तो ये भी जान लो भाई, देखो जैसे बैटरी ख़त्म होती है ना, तो यहाँ पे दबाएंगे और फिर देखो मरोल यहाँ से नज़दीक है बैटरी, जो मैक्स स्टेशन है, तो गेट इट टोकन पे कर देता हूँ, 49 नंबर है मेरा टोकन नंबर। अब चलता हूँ मरोल, पहले बैटरी स्वाइप करवाता हूँ, उसके बाद में ऑर्डर पिकअप करूँगा। ऑर्डर तो ज़्यादा ही पास से लेना है, तो पहले यहीं से ऑर्डर पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद में बैटरी चेंज करवाऊँगा। दोस्तों मेरा 18 ऑर्डर हो चुका था, बट एक ऑर्डर और आ गया, ये करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि मैं बंद नहीं करना चाहता 11 बजे से पहले। एक बार बंद कर दिया था तो मेरा भाई पैसा ही नहीं मिला था, तो ये जो पीक स्लॉट है ये कंप्लीट करना है, कर देता हूँ यार, एक ऑर्डर है, क्या चला जाएगा इसमें।